जो एक इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें हाफ ये चैप्टर हाफ ही कवर हुआ था, तो ये अभी ये हाफ अभी थोड़ा सा देखो करके देखते हैं, हाफ कर लेते हैं कंप्लीट हो जाएगा, फिर मेन मेन चीज़ें इसकी जान लेते हैं। हमने फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट वो था फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने कहाँ तक किया था, हमने ये भी एक्चुअल रिसोर्सेस पोटेंशियल रिसोर्सेस इनके बारे में जान लिया था। बस इसके बाद ही यहाँ से ये वाले ये नेक्स्ट पेज से ही करना था। एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में तो जान ही लिया था, जैसे आप एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज़ नॉन, जिन रिसोर्सेज की जो क्वांटिटी है वो नॉन है, नॉन मतलब हमें पता है उनकी क्वांटिटी है कितनी है, उनकी जो संख्या है वो कितनी है, तो वो होते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। तो ये तो जैसे अगर हम बात करें कोयले की, जैसे यहाँ पे खुद ही वो दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रूहल रीजन ऑफ जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया। क्या हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डार्क सॉइल मीन्स काली मिट्टी हो गई जो डक्कन में मिलती है, डक्कन के प्लेटू में, महाराष्ट्र में पड़ता है वो, तो इन सब की क्वांटिटी नॉन एबल है। नॉन एबल मतलब क्या, मतलब हमें उनकी क्वांटिटी पता है, अगर हम वहाँ पे जाके इनकी अगर जांच करें तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हाँ भाई इतनी इतने एरिया में ये इतनी मिट्टी है। अगर हम कोल की बात करें भाई ये यहाँ पर इतना कोल है, पेट्रोलियम भाई इस जगह में इतनी पेट्रोलियम है और वो बनी बनाई है, हाँ वो बन चुकी है, तो उसकी क्वांटिटी हमें पता है। लेकिन अगर हम वहीं पर दूसरी तरफ पोटेंशियल रिसोर्सेज की बात करें तो वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, दे आर ऑन द वे ऑफ प्रोसेस, वो अभी प्रोसेस हो रहे हैं मतलब बन रहे हैं, इनकी हम क्वांटिटी हम एग्जैक्ट क्या होगी कितनी होगी वो हम नहीं बता सकते, बस इसके बारे में सिर्फ अनुमान, वी जस्ट इमेजिन कि इट कैन बी। हाँ जैसे कि यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको भी जल्दी से रीड कर लेते, पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज इंटायरली क्वान्टिटी मे नॉट बी नॉन एंड दीज आर नॉट बींग यूज एट प्रजेंट, मतलब इनका जो उपयोग है उनका इनका जो यूज़ है हम प्रजेंट टाइम में नहीं कर सकते, इनके बस वी जस्ट थिंक या बस सिर्फ हम सोच सकते हैं कि भाई इतना हो सकता है, इतनी क्वान्टिटी हो सकती है या ऐसा हो सकता है इस इन रिसोर्सेज का, लेकिन हमें एग्जैक्ट वो नहीं पता। दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज इन द फ्यूचर, इनका जो यूज़ है हम फ्यूचर में कर सकते हैं। हाँ द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस्ड इनफ टू इजीली यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज, द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज दैट कुड बी यूज इन द फ्यूचर, हाई स्पीड वाइंड्स वर अ पोटेंशियल रिसोर्सेज 200 years अगो, टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्सेज एंड वाइन फॉर्म जनरेटेड एनर्जी यूजिंग वाइन मिल्स लाइक इन नीदरलैंड। यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है देखो पोटेंशियल के एग्जांपल क्या होंगे, एक्चुअल के क्या होंगे भाई, जो एक्चुअल आज के टाइम पर प्रेजेंट हैं वी कैन सी दैम, वी कैन ऑल्सो टेल दैम विच क्वांटिटी दे आर। तो जैसे कि यहाँ पे ये कोयला वेला हो गया, ये हमारे एक्चुअल इनको हम बता सकते, अगर वहीं दूसरी तरफ पोटेंशियल की बात करें पोटेंशियल को हम बता नहीं सकते, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम, ये यूरेनियम सिर्फ ये जैसे जांच वाँच करी तो पता चला भाई यहाँ पे यूरेनियम है, लेकिन उसकी क्वांटिटी नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी है, और ठीक है अगर हमें क्वांटिटी भी पता चल गई हमें एग्जैक्टली ये भी नहीं पता कि इसका हम यूज़ कैसे करेंगे, कितना करेंगे यूज़ और क्या करने में करेंगे,
तो वो ही है, इसका यूज़ हम फ्यूचर में कर सकते हैं, किसी भी टाइम के अकॉर्डिंग जहाँ पे यूज़ हो तो वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता। तो वो होते हैं अनुमानित कह दो या पोटेंशियल कह दो। अब अगर हम ओरिजिन की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, मतलब रिसोर्सेस मूल रूप से किस तरीके के होते हैं, मूल रूप से दो तरीके के होते हैं भाई, जैव होते हैं और अजैव होते हैं। मतलब कोई भी अगर हम बात करें, किसी भी रिसोर्स की बात करें, किसी भी संसाधन की बात करें, संसाधन क्या है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था ना, जो नीड को फुलफ़िल करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो संसाधन कहला देती हैं, मतलब वही रिसोर्स के होती हैं। लेकिन ये रिसोर्स तो हैं, लेकिन अगर इनको इनको हम डिवाइड करें, पहला देखो, पहला डिवीज़न तो ये हो गया कि एक्चुअल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स। हाँ भाई, जो रिसोर्स हैं वो एक्चुअल भी हो सकते हैं, मतलब आज के टाइम पर प्रेजेंट है, उनका यूज़ हो रहा है, उनकी क्वांटिटी हमें पता है, और कुछ ऐसे रिसोर्स भी हैं जो प्रोसेस में हैं, हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता और इनका यूज़ भी नहीं एग्जैक्टली पता कि इन विच वर्क वी यूज़ दैम। हाँ, और अब ये तो पहली कैटेगरी हुई, दूसरा हो गया ओरिजिन। ओरिजिन मतलब मूल रूप से ये किस तरीके के होते हैं, कि भाई ये किस प्रकार, दो तरीके के होते हैं, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ओरिजिन के बेसिस पे अगर देखें तो रिसोर्सेस आर टू टाइप्स, फर्स्ट बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक क्या होते हैं, जैविक, और अबायोटिक अजैविक। देखो, जैविक मतलब जीवित चीज़ें जो जिनमें जान है, जो रिसोर्सेस हैं जिनमें जान पाई जा रही है, वो बायोटिक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो ना, उल्टा उल्टा लिखा हुआ है, पहले अबायोटिक लिखा है फिर बायोटिक लिखा है, लेकिन बायोटिक मतलब जैव चीज़ें जो जिंदी हैं, और अबायोटिक जो जिंदी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि ये यहाँ पे देखो एग्जांपल ही दे रखे हैं, पेड़ पौधों की बात करें, इनमें लाइव होते हैं, ये रिसोर्सेस हैं, हाँ ये बायोटिक रिसोर्सेस हैं। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें और एनिमल्स की बात करें, ये सारे क्या हैं, ये भी रिसोर्स हैं, क्या है, ये भी रिसोर्सेस हैं, लेकिन ये जैविक चीज़ें हैं, जैविक मतलब उनमें जान है। अगर हम दूसरी तरफ अजैविक या अबायोटिक चीज़ों की बात करें तो उनमें जान नहीं है, जैसा कि ये सॉइल हो गया, पत्थर हो गए, रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए, धातुएं, ये सारी क्या हैं, अबायोटिक, क्योंकि इनमें जान नहीं होती। ठीक है, ये तो हो गया ओरिजिन, मूल रूप से भी दो तरीके के होते हैं, पहला जैविक और दूसरा अजैविक, जो जिंदी चीज़ें होती हैं, जैविक जो जिनमें जान नहीं होती वो अजैविक, और पहला जो पढ़ा था वो जैसे प्रेजेंस के आधार पे पढ़ा था, कि भाई डेवलपमेंट की ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा था हमने, एक्चुअल और पोटेंशियल, भाई डेवलप कैसे होते हैं, एक्चुअल में भी होते हैं और प्रोसेस में भी होते हैं। अब और ओरिजिन के बेसिस पे भी हो गया। अब ये जो नेचुरल ये होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इनको और भी कैटेगरी में बांट दिया जाता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, नवनीकरणीय और अनवनीकरणीय। नवनीकरणीय जैसे इससे ही पता चले, अगर इंग्लिश के वर्डों से समझे तो इंग्लिश के वर्ड से हमें क्लियर हो जाएगी चीज़ें, अगर हिंदी के वर्ड से अगर समझे तो हिंदी के वर्ड से हमें समझ में आ जाएंगी चीज़। रिन्यूएबल, न्यू मतलब नया, री मतलब दोबारा होता है, रीन्यूएबल जिसको हम दोबारा बना सकें, और नॉन रीन्यूएबल जिसको हम दोबारा ना बना सकें। ऐसे अगर हिंदी के वर्ड इनकी बात करें तो नवनीकरणीय होता है रीन्यूएबल, नवनीकरणीय जिसको नवनीकरणीय जिसका हम नया बना सकें, और अनवनीकरणीय जिसको हम नया ना बना सकें। तो ये हमारे रीन्यूएबल हो गए और नॉन रीन्यूएबल हो गए, तो ये होते हैं। यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे चलो पढ़ लेते हैं। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं, सिंपल सिंपल मीनिंग, दोज रिसोर्सेज मेड बाय द ह्यूमन आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे जो इंसान होते हैं सभी यही तो होते हैं ना, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स बहुत सारे दे रखे हैं, बिल्डिंग्स हो गई, ब्रिज हो गए, रोड हो गई, मशीनरीज हो गई, हाँ व्हीकल्स हो गए, ये सारे क्या हैं, ये इंसानों ने तो बनाए हैं, ये थोड़े ना यहाँ दुनिया में पहले से ही थे, भगवान ने मतलब वैसे बोले जाते भाई, नेचर के द्वारा हमें क्या क्या मिला, पेड़ मिल गए, हाँ मिट्टी है, ये सारे नेचुरल, पहाड़, नदी, पानी, ये सारे हमारे नेचुरल चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमन मेड की बात करें तो ये
सड़क वड़क थोड़ी ना पहले से ही थी, तो सड़क बनाई लोगों ने, तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आ जाते हैं जो ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, मतलब वो खुद भी एक संसाधन है। जैसे पीपल्स कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ द यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स वैन दे हैव द नॉलेज स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। पीपल्स आर ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल्स अ वैल्यूएबल रिसोर्स, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मतलब जो इंसान है वो खुद भी एक रिसोर्स ही है, क्यों? क्योंकि वो उनके पास क्या होते हैं, नॉलेज होती है, मतलब ज्ञान होता है, स्किल्स होती हैं, स्किल्स क्या होते हैं, स्किल्स होते हैं योग्यताएँ, और टेक्नोलॉजी का जो विकास है वो भी तो ह्यूमन माइंड से हुआ है ना, वही तो सोचता जाता है कोई भी चीज़ है। टेक्नोलॉजी मतलब क्या, ह्यूमन की थिंकिंग ही तो है, किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से करने के लिए वो क्या नई नई चीज़ों की खोज करते रहते हैं, बस उसी को टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। तो अब ह्यूमन खुद भी रिसोर्स है, क्यों? क्योंकि वो अपनी नॉलेज का जो उपयोग है, नॉलेज होती है उसके पास, स्किल्स होती हैं, टेक्नोलॉजी होती है, तो वो उनका यूज़ क्या करता है, रिसोर्सेज को वो देखो किस तरीके से हो गया, किसी भी चीज़ को वो जो नेचर से मिली हुई चीज़ है उसको कन्वर्ट करके नई चीज़ में प्रस्तुत कर दे रहा है, तो उसने ही बनाया ना उसने। जैसे अगर हम बात करें पेड़ होते हैं, लकड़ी होती है, लकड़ी से फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया ह्यूमन, कौन कन्वर्ट करता है, ह्यूमन ही करते हैं ना स्टार्टिंग में। अगर हम आज के टाइम की बात करें, चलो ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें हो गई, वो मशीनें भी तो इंसान ने बनाई हैं, तो पहले के टाइम पर तो ये मशीनें नहीं होती थी, तो हाथ से ही चीज़ें बनती थी, तो कौन बनाता था, इंसान ही बनाते थे, तो इंसान खुद भी एक रिसोर्स है। ठीक है, और अगर जैसे यही जैसे किसी इंसान के पास नॉलेज होती है, और वो नॉलेज होती है और हेल्थ होती है, नॉलेज और हेल्थ भी दोनों मतलब कनेक्ट हैं दोनों एक दूसरे से। कैसे, अगर हम पढ़ाई की बात करें, पढ़ाई का मतलब यही नहीं कि भाई सिर्फ हमें स्कूली किताबी पढ़ाई लिखाई, बस किताबों में लिखा है, पढ़ लिया, उसे लिख लिया, वो नहीं होता ज्ञान असली, मतलब पूरा ज्ञान वही नहीं होता। चलो वो हम पढ़ते हैं, उसमें लिखी हुई जो चीज़ें उनको समझते हैं, जब हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं उन चीज़ों को, तो वो असली ज्ञान हुआ। तो अगर इस तरीके से अगर कोई बता रहा है, बताई हुई चीज़ों को ही हम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, बताई हुई चीज़ों को ही अगर हम मानते हैं, तो वो भी तो एक तरीके का ज्ञान ही हुआ। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ज्ञान अगर हेल्थ के बारे में क्या कह रहा है, जैसे कोई भी इंसान है अगर वो नॉलेजेबल है, मैं उसके पास नॉलेज है और वो हेल्थी है, तो वो कुछ भी कर सकता है ना, वो अपनी नॉलेज का यूज़ वो किसी नए नए रिसोर्स बनाने में करता है। जैसे अगर वो मतलब कोई इंसान है अगर बीमार पड़ा है, तो वो कैसे कुछ भी कर सकता है, नहीं कर सकता ना बीमारी में कुछ, तो वही अगर वो स्वस्थ है तो स्वस्थ में स्वस्थ दिमाग और नॉलेज क्या क्या चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को जब जो इंसान है अपनी उसका एजुकेशन का यूज़ करके, और वो हेल्थी है और एजुकेशन है उसके पास, और उसका यूज़ करके जब वो नए नए रिसोर्सेज बनाता जाता है, तो उसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कह देते हैं। क्योंकि जो ह्यूमन है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब वो डेवलप करता जाता है, वो विकास कर रहा है चीज़ों का, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है, मतलब मानवीय संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास कहलाता है। ह्यूमन मतलब मानव, रिसोर्स संसाधन। अब चलो ये लास्ट वाली जो चीज़ है वो कंजर्वेशन से रिलेटेड है। कंजर्वेशन होता है बचाना, प्रोटेक्ट करना चीज़ों को, कि हमने ये चलो रिसोर्सेज के बारे में पढ़ दिया, मैं पढ़ लिया कि क्या क्या पढ़ा भाई, नेचर के द्वारा बनाई हुई चीज़ें ज़्यादातर तो नेचर से, जैसे पेड़, पानी, पहाड़, सड़कें जो ह्यूमन ने बनाई है, अगर हम जंगल की बात करें और मिट्टी हो गई, ये सारी चीज़ें क्या, ये रिसोर्सेस हैं। एयर, ये भी हमें नेचर से ही प्राप्त होती है, तो ये क्या, ये रिसोर्सेस हैं। और आज के टाइम पर क्या होता जा रहा है, इनका दोहन हो रहा है, दोहन मतलब इन
इन्हें ना इन्हें ख़राब किया जा रहा है। अगर हम एयर की बात करें तो एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा। वाटर की बात करें तो वाटर का जो लेवल है वो ख़त्म होता जा रहा है, मतलब घटता जा रहा है। और अगर मिट्टी की बात करें, मिट्टी भी तो वैसे होती जा रही है, मिट्टियों का जैसे यूज़ किसी और उसमें होता जा रहा है, और जैसे होते हैं ना अब केमिकल्स वगैरह हम मिट्टी में ही डाल देते हैं फैक्ट्रियों के पानी में मिट्टी में, तो उससे भी तो मिट्टी वो हो रही है। और पेड़ों की बात करें तो पेड़ हम काटते जा रहे हैं, तो ये इनको बचाना भी तो ज़रूरी है। ये हमारे रिसोर्सेस हैं, नेचर से मिली हुई चीज़ें हैं, इनका यूज़ सब करते हैं। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, तो इन्हें बचाना भी ज़रूरी है। तो यही है, तो यहाँ पे ये देखो हाईलाइट में है कि अभी कोई भी चीज़ है, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकेम वेरी स्कार्स एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गॉट एग्जॉस्टेड। मतलब क्या होगा, अगर हम केयरफुल नहीं रहे, मतलब अगर हमने अभी संसाधनों को बचाने पर ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, जो रिन्यूएबल हैं जिनको हम दोबारा बना सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। हाँ, पूरी तरीके से नष्ट हो ही जाएंगे, उनका भी खतरा मंडराने लग जाएगा। अगर हम बात करें जैसे हम पानी की बात करते हैं, जैसे पानी को हम वैसे तो नहीं बना सकते, लेकिन हम वाटर लेवल को उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे बारिश होती है, अगर बारिश का पानी सीधा मिट्टी में जाए, हाँ मतलब पक्की ज़मीन में ना जाए, जहाँ पे जैसे सीमेंट सड़कें वड़के होती हैं या घर होते हैं, उनमें अगर वो पानी अगर डायरेक्ट खेतों में क्या होता है, मिट्टी मिट्टी होती है, अगर वो पानी सीधा खेतों के जरिए मतलब मिट्टी एरिया के जरिए अगर वो वापस ज़मीन में चला जाए, तो उससे क्या होगा, लेवल सुधर जाएगा। वो रिन्यूएबल चीज़ है, हाँ इसको दोबारा से इसके लेवल को बढ़ाया जा सकता है, वाटर के लेवल को, लेकिन ये अभी करते ही नहीं, मतलब कैसे ख़राब ही करते रहते हैं, पानी होते रहे। और आज के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं, भले ही अगर एक तरीके से हम देखें तो ये रिन्यूएबल है ना, क्योंकि हम दोबारा से उस लेवल को ठीक कर सकते हैं वाटर के, लेकिन हम वाटर का इतना ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि वो वाटर लेवल मतलब बैलेंस ही नहीं हो पा रहा। 10 गुना निकाल रहे हैं, 1 गुना उसमें जा रहा है। 10 बाल्टियाँ निकालते हैं तो वहाँ जाके एक मग या एक बाल्टी उसमें पानी जा रहा है ज़मीन में, तो ऐसे कैसे बैलेंस होएगा वो, तो वो भी खतरा बहुत मंडरा रहे ना उस चीज़ के। तो बस यही है, अगर हम हवा की बात करें, जो एयर होती है वो भी एक तरीके की रिन्यूएबल भी चीज़ है, क्योंकि वो हवा दोबारा भी बन सकती है, दोबारा बनती रहती है ना, हवाएं चलती हैं बनती रहती हैं। लेकिन अगर हम इतना ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, ये दुनिया भर का पॉल्यूशन अगर इसमें वो होएगा, तो वो कैसे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, लोग ही ख़त्म हो जाएंगे सारे, समझ रहे हो। अगर वो पूरी तरीके से हवा ही पॉल्यूट हो गई पूरी तरीके से, तो उसमें सांस लेने वाले जो जीव जंतु हैं सब भी बीमार हो के मतलब ख़त्म ही हो जाएंगे। तो बस यही चीज़ है, तो रिन्यूएबल चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी अगर हमने सही तरीके से मतलब यूज़ करो भाई, हमें नेचर ने चीज़ें दी हैं, यूज़ करने के लिए ही दी हैं, लेकिन उनका मतलब इतनी बुरी तरीके से भी यूज़ ना कर दो कि वो ख़त्म ही हो जाए। आने वाले जनरेशन का पता नहीं क्या हाल होगा, बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी अभी हम लोग ही हैं, जैसे अगर देखते जाएंगे कुछ सालों में सबको ही पता लगने लग जाएगा, 15-20 साल बाद पूरी जो चीज़ें हैं वो चेंज हो ही चुकी होंगी, अगर हम देखेंगे, अगर अभी इसी तरीके का हाल रहता गया। बस ये लिखा है और कुछ नहीं है इसमें, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब संसाधन बचाओ क्या कहलाता है, संसाधन बचाओ क्या कहलाता है, वही कि भाई अगर हम उसको टाइम दें, प्रॉपर टाइम दें कि भाई वो दोबारा से रिन्यूड हो जाए, मतलब दोबारा से बन जाए और फिर हम उसका यूज़ करें, तब इस उस प्रोसेस को बोलते हैं कि भाई संसाधन बचाओ।
बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मतलब कोई भी चीज़ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है सतत विकास. सस्टेनेबल होता है सतत विकास. मतलब क्या हम किस ऐसी चीज़ों का निर्माण करें, ऐसी चीज़ों की खोज करें जो क्या हो, परमानेंट सी हो. हाँ, अगर हम जैसे अभी आज के टाइम पे क्या होने लग गया है, सनलाइट से बिजली बनाने लग गए हैं, तो ये एक तरीके का ये क्या है, ये एक तरीके का सस्टेनेबल चीज़ है. सस्टेनेबल मतलब ये मतलब इसको हम जब तक सूरज रहेगा जब तक यूज़ कर सकते हैं. हाँ, सस्टेनेबल वही कहलाता है कि भाई जिस जो सतत हो, मतलब जो परमानेंट सी चीज़ हो उसे बोलते हैं. देखो यहाँ पे ये मीनिंग भी दे रखा है सस्टेनेबल का. सस्टेनेबल डेवलपमेंट केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन. मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो, भाई कोई भी चीज़ है जिसका हम तो यूज़ कर ही रहे हैं. हाँ, हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को इस तरीके से बचा के भी रखें ताकि फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, आने वाली जो जनरेशन है वो भी उसका यूज़ कर सके. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हों, परमानेंट का मतलब भी एक तरीके का वही हो गया ना, भाई हम यूज़ करें लेकिन इस तरीके की व्यवस्था कर दें ताकि वो हमेशा के लिए चीज़ें रहें, आने वाली जो जनरेशन है वो भी उस चीज़ का यूज़ कर पाए. तो यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, चलो ठीक है, अभी ये हमारा ख़त्म ही हो गया. ये थोड़ा सा देख लेते हैं. द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट्स एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स. देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट. मतलब यही है कि भाई हमारा जो प्लैनेट है, हमारा जो ग्रह है उसे बचा कर रखना हमारी जिम्मेदारी है ना. तो अब इस ग्रह में जो रहने वाले चीज़ें हैं, या तो लोग हम इनको मान लें, इनको इंसान हो गए, या सारी चीज़ें क्या है, सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है. बस अगर हम प्लैनेट वैसे इस चीज़ें सही बचा कर रखेंगे तो वही है कि हमारे लिए ही ठीक है. तो यहाँ पे कुछ थोड़ी सी दो तीन पॉइंट बता रहे कि ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस और सस्टेनेबल. रिन्यूएबल जो रिसोर्सेस है, मतलब जिनको दोबारा हम बना सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, वो रिसोर्सेस क्या रहे, वो सस्टेनेबल रहे, उनका उस तरीके से यूज़ किया जा सके कि भाई उसको प्रॉपर टाइम दिया जाए ताकि वो दोबारा से रिन्यूड हो सके, ताकि आने वाली जनरेशन के काम आए. दूसरा, द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल्स ऑन द सॉरी पीपल ने द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड. डाइवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी होता है विभिन्नता. क्या देखते हैं कि कितनी सारी डाइवर्सिटी है, कितने सारे क्रिएचर्स हैं हमारे. अगर फ्लोरा फौना की बात करें, फ्लोरा फौना जैसे हमारे कितने सारे पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे हर तरीके के पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, छोटे हो गए, बड़े हो गए, बहुत सारे हैं. तो ये डाइवर्सिटी है, अगर अलग अलग लोग रहते हैं ये भी डाइवर्सिटी है. तो इसको बचाना भी, ताकि अर्थ पर इसको भी बचा के रखना ज़रूरी है, वो डाइवर्सिटी बनी रहे. इसलिए हमें यही करना पड़ेगा, अगर हम सब चीज़ों का मेंटेन करके चलेंगे तो हमारी डाइवर्सिटी बनी रहेगी. द डैमेज टू नेचर डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड. मतलब जो हमारा जो वो है, अगर हम वो खतरे को कम कर दें, कैसे, भाई जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, हाँ जो हमारा पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण है, उसको अगर हम डैमेज ना करें, हाँ तो क्या हो जाएगा इससे. अगर उसको डैमेज ना करें, उसको बर्बाद ही ना करें, तो फिर उससे जो खतरे हैं वो कम हो जाएंगे जो आज के टाइम पे मंडरा रहे. चलो ठीक है, ये अब चैप्टर कंप्लीट हो गया. इसके ये छोटे ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, तो इनको देखने की कोशिश करिएगा.